दुर्ग शहर विधायक अरुण वोरा ने दुर्ग में कोरोना जांच के लिए नवनिर्मित वायरोलॉजी लैब तत्काल शुरू करने व जिले में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या पर स्वास्थ्य मंत्री से चर्चा की। वही स्वास्थ्य मंत्री ने उन्हें आश्वस्त कराया है। दुर्ग में लगातार कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर बुधवार को शहर विधायक अरुण वोरा ने चीफ मेडिकल एंड हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर के साथ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं की समीक्षा बैठक ली। वोरा ने कहा कि कोरोना जांच ज्यादा से ज्यादा करें ताकि समय पर कोरोना पेशेंट को दवाइयां दी जा सके। वोरा ने कोरोना जांच के लिए जिला अस्पताल परिसर में बने वायरोलॉजी लैब को तत्काल शुरू कराने स्वास्थ्य मंत्री टीएस बाबा से भी चर्चा की। स्वास्थ्य मंत्री ने वोरा को आश्वस्त करते हुए कहा कि दुर्ग जिला चिकित्सालय परिसर में स्थित लैब में कोरोना जांच की सुविधा शीघ्र शुरू कर दी जाएगी। साथ ही वोरा ने जिला अस्पताल सहित पूरे जिले में कोरोना टेस्ट, ट्रीटमेंट और दवाइयों के वितरण की व्यवस्था की विस्तार से समीक्षा की। वोरा ने यह भी कहा कि कोरोना जांच के लिए लोगों को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए, जांच रिपोर्ट तत्काल मिल सके इसकी भी व्यवस्था जरूरी है ताकि संक्रमण फैलने से रोका जा सके। जांच रिपोर्ट में जितनी देर होगी उतना ही संक्रमण फैलने का खतरा बढ़ने की बातें उन्होंने कही। वोरा ने कोरोना जांच के लिए विशेष रूप से बनाए गए वायरोलॉजी लैब शुरू न होने पर भी सवाल खड़ा किए। वोरा ने जिला अस्पताल परिसर में संचालित ट्रू नॉट लैब का निरीक्षण भी किया और यहां सुविधाओं के बारे में जानकारियां ली। कोरोना मरीजों को वितरित किए जा रहे दवाइयों की किट तैयार करने की व्यवस्था का भी उन्होंने जायजा लिया। इसी कड़ी में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि लैब के लिए आवश्यक सामग्रियां और इक्विपमेंट की सप्लाई राजधानी रायपुर से होते ही लैब में कोरोना जांच की सुविधा शुरू कर दी जाएगी। वर्तमान में पूरे जिले में 70 स्थानों पर कोरोना की जांच होने की बातें कही। पहले कोरोना के संदिग्ध मरीजों का सैंपल लेकर रायपुर एम्स भेजना पड़ता था, इसमें समय लगता था, लेकिन अब स्थानीय स्तर पर सुविधा युक्त प्राइवेट लैब में सैंपल भेजकर कोरोना की जांच कराई जा रही है, जिससे 24 घंटे के भीतर जांच रिपोर्ट मिल रही है। समीक्षा के दौरान डॉक्टर खंडेलवाल, डॉक्टर बंजारे, एल रमन, राजेश शर्मा, जीवन दीप समिति के सदस्य भूपेंद्र दिवांगन भी मौजूद रहे। इस संबंध में न्यूज टीम को विधायक अरुण वोरा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। तरीके से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उसे ध्यान में रखते हुए शासन प्रशासन पूरी तरीके से सजग और सतर्क है। आज हमने इस संदर्भ में प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्री टी एस सिंहदेव जी से चर्चा की और दुर्ग के वर्तमान हालातों की उनको जानकारी दी और उनसे कहा कि जो टेस्ट होने हैं, दुर्ग जिला मुख्यालय है, सबसे बड़ा चिकित्सालय है, यहाँ पर RT-PCR का लैब भी बन गया है। तो उन्होंने कहा कि 15 दिन के अंदर इसकी कार्रवाई कर दी जाएगी, यहाँ से टेस्ट होगा। और चंदूलाल चंद्राकर मेमोरियल हॉस्पिटल में जो अभी नहीं हो रहे हैं उसके लिए भी उन्होंने निर्देश जारी कर दिए हैं कि वहाँ पर ये टेस्ट किए जाएंगे। प्रतिदिन करीब करीब 750 निःशुल्क टेस्ट किए जा रहे हैं। तो इस संदर्भ में और कैसे हमको ये ऑक्सीजन और ये सारी व्यवस्थाएं की जाए, चिकित्सकीय सारी व्यवस्था के लिए आज हमने यहाँ के CMHO से चर्चा की और मंत्री जी को भी अवगत कराया है कि दुर्ग में बराबर सतर्कता का ध्यान रखा जाए। ठीक, लेकिन जिस तरीके से रफ्तार बढ़ रही है, सारी स्थिति शासन प्रशासन को अवगत है, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी अवगत है, और जैसी परिस्थितियां आगे निर्मित होगी लॉकडाउन लगाने की, वैसे सरकार उसका इस दिशा में कार्य करेगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।